नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया के सबसे लोकप्रिय शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। आज हम मौजूद हैं बाड़मेर में। अगर बाड़मेर की बात की जाए तो जनसंख्या में भले ही एक कम हो, छोटा हो, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन इसके बावजूद भी विकास की बात जो रहा है, इंतजार विकास को लेकर हो रहा है, लेकिन बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, उतना विकास नहीं कर पाई जितना यहां करना चाहिए था, ये जनता का कहना है। लेकिन जनता और क्या कुछ चाहती है मौजूदा सरकार से, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, उम्मीदवारों से भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और इन्हीं सब को लेकर ही हम ये शो लेकर आए हैं जिसमें हम काम करेंगे एक कड़ी का, यानी जनता और जो यहां पर हमारे साथ मेहमान होंगे उनके बीच में सेतु का काम हम करेंगे। सवाल आपके होंगे और आपके सामने ये जो कैंडिडेट्स होंगे, ये जो हमारे मेहमान होंगे, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी को हो, आप सवाल पूछेंगे और जवाब ये देंगे। विनायक जी, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ जनता जनार्दन का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज इस खास कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर जनता अपने नेता से क्या चाहती है। सबसे पहले तो अहम सवाल यहां पर रहेगा पीयूष डोसी जी आपसे। बीजेपी नेता है, बीजेपी की यहाँ पर सरकार है, 7 यहाँ पर विधानसभा है जिनमें 6 में बीजेपी का कब्जा, क्या आप मानते हैं विकास उस लिहाज से हुआ है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, विकास उस लिहाज से हुआ है जितना एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, उस दृष्टिकोण में विकास हम लोगों ने किया है, इस सरकार ने किया है। बीजेपी ने विकास बहुत किया है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाड़मेर जिले का कहीं पर भी विकास नहीं किया गया है। बाड़मेर जिले की जो तकदीर बदलने वाली योजना, जो सबसे बड़ी रिफाइनरी थी, 4.5 साल तक उसके विकास को रोक कर रखा। मुकेश जी, रिफाइनरी का जिक्र आपने किया है, रिफाइनरी तो बाड़मेर के लिए जब अनाउंस हुआ था तो खुशी सबको थी कि विकास होगा, रोजगार मिलेगा यहाँ पर, और कुछ हुआ नहीं। अगर रिफाइनरी बंद कर रह गया तो सिर्फ एक मुद्दा, एक बॉल जो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही खेमों में एक दूसरे को डाली जाती है। चलिए उदाराम मेघवाल जी, शिवसेना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आप कैंडिडेट भी हैं, क्या परिवर्तन आप करेंगे और आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी कांग्रेस, क्या दोनों ही पार्टी ने यहाँ पर विकास नहीं कराया जो आपको मैदान में आना पड़ रहा है, आपकी पार्टी को आना पड़ा? मैं इतना कहूंगा कि राजस्थान में दोनों पार्टियों ने बारी बारी से इस जनता को बरगला के, कभी कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी 3 तलाक के नाम पे, और कभी विकास के नाम पे, कभी डिजिटल इंडिया के नाम से इस तरीके से वोट लिए, लेकिन वास्तविक मायने में कहीं भी विकास नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि खींवसर में तो कांग्रेस और बीजेपी को कोई उम्मीदवार नहीं मिला, ये हालात है इनकी। कन्हैयाराम मांझू जी, अभिनव राजस्थान बायतू से आप कैंडिडेट हैं। अभिनव राजस्थान ऐसा क्या करने वाली है जो बाकी पार्टियां नहीं कर पाई, राष्ट्रीय पार्टियां नहीं कर पाई? अभिनव राजस्थान ने एक नया डेवलप किया है, वो सारे वादे हैं, वो स्टाम्प पर, शपथ पत्र युक्त, और जितना हमारे वादे होंगे वो लिखित में होंगे, समय फिक्स होगा और उसमें बजट कितना होगा वो फिक्स है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास किया है, मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा। बिल्कुल, और मेरे भाई छोटे भाई मुकेश जी ने यह बताया कि रिफाइनरी 40,000 करोड़ बचाना बहुत आसान काम नहीं है, और एक कट्टे से, सीमेंट के एक कट्टे से पत्थर लगाकर रिफाइनरी नहीं बनती है भाई साहब। आप समझो, कुछ रिफाइनरी बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए रिलीज हो गए और 1000 करोड़ से ऊपर का काम हो गया। लेकिन अहम सवाल ये हो जाता है कि जो योजनाएं आती है क्या वो अंतिम छोर तक व्यक्ति पर पहुंच रही है या नहीं। स्वागत है आप सभी का। चलिए अब आपकी बारी है, यहाँ पर सामने है जनप्रतिनिधि और आप करिए सवाल। विनायक जी, बहुत सारे सवाल है संबोधन सुनने के बाद या जनता के। आने वाली दोनों सरकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि 28,000 का परिवार है, होमगार्ड के ऊपर लाठीचार्ज करते हो, और सूरा संकल्प जो घोषणा पत्र था उसके अंदर कहते हो कि 28,000 को नियमित करेंगे, और आने वाली हमें लाठीचार्ज करते हैं जयपुर के अंदर। केला जी से है और ये पीयू जी से है, मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय कर्नल साहब के द्वारा MP रहते हुए बाड़मेर में जो 5,000 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए गए रेलवे लाइन के लिए, जो जैसलमेर से वाया बाड़मेर भाबर तक थी, और उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे शहर में, वो 5,000 करोड़ रुपए कहाँ है? क्या सवाल है?
मेरा सवाल है कांग्रेस के मुकेश जी जैन से कि अभी जो राजस्थान इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती आई थी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल फर्स्ट जो फरवरी में आई थी और उसको कोर्ट में फंस गई थी, कोर्ट से निकलने के बाद अभी चुनाव आयोग को परमिशन, लेकिन 99% उस भर्ती का काम हो चुका है। मैं अभी एक चयनित बेरोजगार हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता जो इनके महासचिव है सुशील जी शर्मा, उन्होंने लेटर लेके उस भर्ती को क्यों रुकवाया, जिससे हमारे एक साथी हमारे एक चयनित शासी है जो मालपुरा टोंक का निवासी है, उसने आत्महत्या कर ली। सवाल के जवाब दीजिए। आत्महत्या का जो मामला बताया है ये बिल्कुल ठीक मामला था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास करके कि अंतिम क्षण तक किसी तरह इन नौकरियों में भर्तियों में इनकी नौकरी होए, 33,000 का क्लियरेंस आरपीएससी से भी हो गया और चुनाव आयोग में जब बात फंसी तो चुनाव आयोग में भी जाके उन्होंने कहा, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव आयोग का हवाला दिया और हवाला देके भर्तियां रोकी, जो कि बिल्कुल हमारे युवा साथियों के साथ कुठाराघात था। कांग्रेस को लेकर भी बड़ा सवाल उन्होंने किया कि कांग्रेस की वजह से वहां पर रुक गया काम जो आगे बढ़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से मुद्दे पे बात करते ना, जनता मैं उसी पर सवाल का जवाब दे रहा हूं। 33,000 भर्तियां रोकी कि नहीं रोकी, पर भी एक मिनट आप बात सुनिए, ठीक है, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। पहले बता देते गेस्ट, यहाँ ये स्टूडियो नहीं है क्योंकि यहाँ जनता रिएक्शन देगी, जनता रिएक्शन देगी। बाड़मेर से विधायक कांग्रेस के हैं और नगर परिषद बोर्ड कांग्रेस का है। आप 5 सालों में ये बताइए कि 5 सालों में बाड़मेर की जनता के लिए आपने क्या किया था? मेवाराम जी कांग्रेस है, मेवाराम जैन ने 10-10 लाख रुपए की झूठी घोषणाएं कर दी है, एक भी रुपया नहीं दिया मेवाराम जैन ने, एक नंबर के झूठे एमएलए। झूठी घोषणा के भी यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या सवाल है? हमारे माननीय विधायक महोदय कई बार कॉलेज में आके कई घोषणाएं की है, वो भी अधूरी पड़ी है। नगर पालिका के अंदर पार्षदों ने किस लिए हड़ताल की थी और कांग्रेस की सवाल किससे ये मुकेश जी से हम लोग पिछले 10 साल से कांग्रेस से बहुत ज्यादा परेशान है। मैं निवेदन करूं, प्रदेश में सरकार किसकी है? प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, 7 में से 6 विधानसभा के इनके एमएलए है। मुकेश जी से पूछना चाहता हूं, बाड़मेर में नगर परिषद बोर्ड है 10 साल से कांग्रेस का और बाड़मेर की 40% आबादी या बाड़मेर के आसपास बलदेव नगर रामनगर बस्ती है उसको नगर पालिका में लेने का बार बार मेवाराम जी ने विरोध किया, कोर्ट तक गए और इस जनता ने बेचारी ने बिगड़ा किया। सर मैं तो ये जवाब पूछ रहा हूँ कि ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि क्या कांग्रेस का बोर्ड है इधर नगर परिषद का और विधायक है कांग्रेस के, मैं इनको बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट बीजेपी की है और ये इसने 10 आयुक्त चेंज कर लिए बीजेपी ने। कांग्रेस विकास करनी चाह रही है लेकिन ये लोग विकास करने नहीं दे रहे। कांग्रेस ने जिस प्रकार से जो वर्तमान विधायक है या बाड़मेर जो राजकीय महाविद्यालय जहाँ पे समस्त क्षेत्र के युवा पढ़ते हैं उनके अंदर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और एक रुपया नहीं देते, फिर क्यों घोषणाएं की जाती है झूठी? क्योंकि मेवाराम जी का जिक्र किया इन्होंने, बस मेवाराम जैन ही थे जो कांग्रेस से जीत कर आए, बाकी बीजेपी के खाते में पूरी सीट गई। ऐसे में तो उम्मीद और बढ़ जाती है कांग्रेस अच्छा करेगी। ये सुनना नहीं चाहते, इसका मतलब क्या निकाला जा सकता है? ये किसी सवाल का जवाब, सवाल करने के बाद में जवाब सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए इनको, ये जवाब सुनना ही नहीं चाहते। जैन जो हमारे विधायक है, लोकप्रिय विधायक है, उन्होंने जो भी घोषणाएं की है वो 100% पूरी की है, एक तथ्य में लाकर बताए, एक रिकॉर्ड में लाकर दे। सवाल करना आसान है, मुझे लाकर बताए कि कौन सी घोषणा की और कौन सी घोषणा उन्होंने पूरी नहीं की, मेरे सामने लाकर बताओ आप। ठीक है, बाड़मेर में सिर्फ एक मात्र विधायक थे मेवाराम जी जैन, जिनके माध्यम से बाड़मेर आज चमन है, एक भी आदमी की बात है। दूसरा मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, 15-15 लाख की सवाल ये बीजेपी किसे है, पिछले कम से कम नगर परिषद के अंदर इन्होंने 15 से 20 आयुक्त बदला दिए और एमएलए के ऊपर इन्होंने झूठे आरोप साबित किए। बाड़मेर विधायक जो है वो पहले म्यूनिसपैलिटी चेयरमैन थे, उनके कार्यकाल में 1276 पट्टे जारी हुए थे जिसमें से 790 पट्टे निरस्त करने के हाईकोर्ट ने आदेश किए। बाड़मेर विधायक बाड़मेर में 790 पट्टे निरस्त करने के आदेश किए और उसमें से 64 लाख रुपए की रिकवरी निकाली गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ किससे जानना, ये मुकेश जी से जानना चाहता हूँ, वो एडवोकेट भी है, क्या राजस्थान हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके लिए मेवाराम जी जिम्मेदार है या यहाँ की पब्लिक जिम्मेदार है? कांग्रेस का यहाँ बोर्ड था, 5 साल में एक व्यक्ति का पट्टा जारी नहीं हुआ, गरीब पूरी तरह से त्रस्त है। पीयूष जी, कांग्रेस के एक विधायक उन्हीं को लेकर नाराजगी यहाँ पर जताई जा रही है, यानी कि क्या बीजेपी के जो विधायक उन्होंने काम कराया है, सवाल आप सभी से। बीजेपी के विधायकों ने क्षेत्र में पूरा काम कराया है, अलग अलग योजनाएं कराई है, बाड़मेर में भी
कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज जैसी एक संस्था का काम कराया और वहाँ राजस्थान में, एक मिनट आप सुने, राजस्थान में मैम 7 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए, उसमें से बाड़मेर एक रहा। और हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ नीला कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम मिला, तो 6 मेडिकल कॉलेज हमारे सरकार में शुरू हो गए। विकास यहाँ के विधायकों ने कहा, ये कह रहे हैं उधर राम जी, कुछ कह रहे हैं उधर राम जी। बीजेपी और कांग्रेस सगे मौसेरे भाई। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जब भी नगर परिषद के चुनाव होते हैं तब मेवाराम जी जैन साहब जातिवाद करके अपने सजातीय बंधु को बना देते हैं। और उसके बाद में मेरी बात सुनिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे पूरी बात करने के बाद में आप विरोध कर सकते हैं, शांति बनाए। मैं कहता हूँ कि उनके सजातीय बंधु को बना करके और फिर अपना तानाशाही और फर्जीवाड़ा करने का प्रयास करते हैं। आपने बोला बीजेपी कांग्रेस दोनों मौसेरे भाई हैं यहाँ पे, लेकिन एक अहम सवाल है, एक अहम सवाल है जनता से भी यहाँ पे भी है। बाड़मेर का जब बात आती है, बाड़मेर का जिक्र होता है तो कहा जाता है पानी की समस्या से परेशान है यहाँ के लोग, क्या ऐसा है? विनायक सवाल लीजिए, जान लेते हैं यहाँ क्या सवाल। साहब मेरा एक सवाल कांग्रेस के नेताओं से है, जो देशभक्ति के पट्टे देते हैं उनकी सभा में कभी वंदे मातरम जय महाभारती का या ऐसा कोई नारा या कोई ऐसा शब्द नहीं सुना कभी भी किसी सभा में? कांग्रेस ज्यादा पट्टे अभी पूछ लेंगे, क्या सवाल है? मेरा सवाल कांग्रेस प्रतिनिधि से है, फर्जी पट्टा प्रकरण में बाड़मेर विधायक के पीए का नाम आया है, उसमें आपका क्या कहना है ये बताइए। मेरा सवाल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से है कि सबसे ज्यादा कम्युनिटी किसान है, आप में से कोई किसान को मुख्यमंत्री बनाएगा क्या? वो पूछ रहे हैं किसान को लेकर क्या किया आप, एक लाइन जवाब। ट्यूबवेल जो बने हैं वो किसान के लिए 256 ट्यूबवेल खुद चुके हैं, और साथ में किसानों को जो ऋण माफी हुई है वो किसानों के लिए हुई है, और किसानों के साथ में जो भी हमारे को पैसा मिला बीज का वो उनके खाते में जमा हुआ है, और किसानों के लिए कितनी योजना। जवाब से संतुष्ट है आप? जवाब से संतुष्ट है? मेरा सवाल बीजेपी से है कि बाढ़ मेरा धोरी मिला के अंदर गैंग रेप की जो घटनाएं हो रही है, व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार हनन किया जा रहा है, क्या ये सही है? भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है उस पे अमल करती है, और भारतीय जनता पार्टी विकास पे ही भरोसा रखती है। कदम कदम पर हम लोगों ने विकास किया, बाड़मेर हमारा कांग्रेस का क्षेत्र होते हुए भी बाड़मेर में हमने विकास कराया। मेरा पीयूजी दोषी से सवाल है कि ये भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल BOCW बोर्ड बना हुआ उसके मेंबर है, जो निर्माण श्रमिक है वो योजना एक शुभ शक्ति योजना पहले थी विवाह सहायता योजना, उसके अंदर 800 निर्माण श्रमिकों के आवेदन लंबित पड़े 4 सालों से, इन्होंने क्या पैरवी की? भारतीय जनता पार्टी की निर्माण श्रमिक मंडल के बोर्ड का मेंबर हूं, निर्माण श्रमिक मंडल में श्रमिकों के लिए राजस्थान सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन सवाल है क्या सवाल है? कांग्रेस और बीजेपी सरकार से मेरा यह सवाल है, पंचायती राज के अंदर जो जनता जल योजना की स्कीम चल रही है उसके तहत आपने सुराज संकल्प यात्रा के अंदर वादा किया था अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उसका नियमित करेंगे, आज दिन तक आपने कोई भी उसके ऊपर प्रक्रिया नहीं। वादा खिलाफी का आरोप है। मेरा मुकेश जी से सवाल है कि नगर परिषद बाड़मेर के अंदर सीवरेज प्लान शुरू हुए 8 साल हो गए, 8 साल में आज तक 10% भी काम नहीं होगा, और 2 बोर्ड इनके जा चुके हैं, वो काम होगा या नहीं होगा? 10 साल से मेवाराम जी MLA बाड़मेर की हर गली में, जब कांग्रेस सरकार थी बाड़मेर के MLA मेवाराम जैन थे, हर गली के अंदर एक फाइनेंस की ऑफिस थी, और 5 सालों के अंदर बाड़मेर के अंदर 20 से 25 युवाओं ने फाइनेंस में अपनी जान दे दी थी। एक ही विधायक है जो कांग्रेस के है, बाड़मेर से है, और इस बार फिर से उनको टिकट मिला है। मुकेश जी, मैडम मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि जिन जिन सवालों का इन्होंने जवाब चाहे, एक एक सवाल का जवाब देने के लिए मैं तत्पर हूँ। सर्वप्रथम तो मैं जगदीश जी के सवाल का जवाब देना चाहूंगा, जहाँ तक पट्टों पर हाईकोर्ट के जो डिसीजन की बात की है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, और मेवाराम जी के खिलाफ जितने आरोप लगाए गए हैं, एक मिनट या तो सुनने की ताकत रखे, या तो आप बता दें, सारे आरोपों से मेवाराम जी को बरी कर दिया गया है। दूसरी बात करना चाहूंगा, बाड़मेर का जो विकास इतिहास में जितना नहीं हुआ जो मेवाराम जी के कार्यकाल में हुआ, बाड़मेर के जो नगर परिषद में सब बाबूलाल ठेके द्वारा
सभापति के हाथ होकर उन्होंने आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से उन पर उत्पीड़न किया, उसकी वजह से बाबूलाल ठेकेदार को सुसाइड करना पड़ा, जिसको लेकर नगर परिषद में उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने सुसाइड केस में बराबर लिखा। ऐसे कई दलित ठेकेदार थे जिनको वहां से छोड़ना पड़ा सिर्फ उसकी वजह मेवाराम जैन। मुकेश जी से है कि ये आज का शो विशेष कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो पहले तो ये तय करें कि आपका मुख्यमंत्री कौन है। कहीं पर भी राजस्थान में कांग्रेस ने कभी भी मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है, केवल आप कल्पना के आधार पर कह सकते हो, तो आप कहने के लिए आपको अधिकार है। मेरा इन सामने खड़े सभी नेताओं से एक सवाल है कि भारत देश का विकास ये किस्तों में करना कब बंद करेंगे? मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। एक वास्तविक स्थिति है, मुझे ये बता दिया जाए बाड़मेर शहर के अंदर जो स्थिति है कलेक्ट्रेट के आगे की और अहिंसा सर्कल की, एक सप्ताह ऐसा गया जहां वो रोड टूटी हुई नहीं थी। किसान गरीब के नाम से आप वोट मांग रहे हो, आपने शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्र में क्यों नहीं इंग्लिश की कोई एक स्कूल खोलने की कभी मैनोफेस्टो में नाम रखा? आप लूटने के भ्रष्टाचार के साथ साथ पढ़ने का भी तो कभी सोचने का मौका दे। जी, अब जवाब ले लेते हैं। जब सवाल यहाँ पर मुकेश जी से बार बार हो रहा है, हालांकि मुकेश जी ने आरोप लगाया कि प्रायोजित है, उसकी वजह यहाँ पर ये है कि मेवाराम यहाँ से विधायक और इसलिए नाराज हो रही है मुकेश जी, इसीलिए बार बार सवाल उठ रहे हैं। मैडम, जैसा कि अभी मेरे एक बंधु ने एक सवाल पूछा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, कभी कहते हम अशोक गहलोत या कभी कहते हम सचिन पायलट। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। फिर आपका स्वागत है हमारे बेहद खास शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं और दो नए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हयात खान से अहम सवाल रहेगा क्योंकि अभी वो जुड़ रहे हैं, बाड़मेर से प्रत्याशी भी हैं, मौजूदा जो विधायक हैं उनसे नाराजगी है जो जनता ने अभी दर्शाई, आप ऐसा क्या करेंगे? हयात खान साहब, ऐसा है वर्तमान में बाड़मेर में जो विधायक साहब है वो कांग्रेस पार्टी के हैं और उस वक्त हैं जब भारतीय जनता पार्टी की जो है राजस्थान में सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। जिस तरह से लोगों के अंदर यहाँ के विधायक को लेकर के रोष है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि उससे असंतुष्ट है। रईस अहमद मलिक जी से अहम सवाल रहेगा। मलिक साहब, बीएसपी प्रदेश में उसकी मौजूदगी है, कई बार सरकार जब नहीं बन पाती है तो बीएसपी सरकार बनाने में मदद करती है, लेकिन अगर मौजूदा चुनाव की बात करें तो बीएसपी का बेस कितना स्ट्रॉन्ग मानते हैं आप? 50 साल कांग्रेस ने हुकूमत की है, ठीक है, और उसके बाद में बीजेपी ने हुकूमत की है। हाँ। अब इन दोनों पार्टियों की कार्यक्रमों को देख लिया जनता ने, 5 साल तेरी बारी, 5 साल मेरी बारी, फिर क्यों ना हम तीसरी चीज को हम चुने, क्यों ना अपने तो अगर हमको फायदा लेना है, जनता चुनेगी, फायदा लेना है, तीसरी बार इनसे नहीं लड़ना है, बीजेपी कांग्रेस। मैं वही कहना चाह रहा हूँ मैडम, तो हमें जनता की चॉइस है। मैडम, हमें मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ कि हमें बीजेपी कांग्रेस से नहीं लड़ना है। हाँ। क्योंकि जनता जनार्दन मालिक है। चलिए ठीक है, जनता से जनता जनार्दन मालिक है, जनता से सवाल। विनायक, जिस तरह से सवाल उठा रही है, जनता इन्हीं को नहीं जानती, ये जनता को क्या जानेगी, जनता इसमें कोई इनको खुद को नहीं। जिस टाइम हमारा मकान पटक दिया था, जिस टाइम एमएलए साहब नहीं था मेवाराम जी, फिर भी आके हमारे को एक सीमेंट का कट्टा और मेणिया लाके दिया था। बीजेपी ने गेहूं बंद कर दिए, हमारा नाम काट दिया राशन से, इससे ज्यादा क्या समस्या होगी? गैस की टंकी 300 रुपए में मिलती, चलिए एक मिनट बोलिए बोलिए, एक मिनट 300 रुपए में सिलेंडर मिलता था, अब 1000 रुपया लगता है। हमारे को डर लगता है टंकी खाली हो जाती है, बुखार आ जाता है, कहां से भरेंगे गरीब आदमी? कैलाश जी, इसका जवाब दे दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक घर में जो चूल्हा फूंक रहे थे लकड़ियों से, उनके घर गैस की निःशुल्क टंकी के साथ चूल्हा पहुंचाया है। विनायक जी, जी, सवाल जी जान लेते हैं, यहाँ बहुत से सवाल और बहुत सा जोश भी लोगों में है, क्या सवाल है? मेरा सवाल बाड़मेर विधायक मेवाराम जी से है, मैं ग्रामीण क्षेत्र भुरटिया गाँव से हूँ। भुरटिया गांव के अंदर मेवाराम जी ने दक्षिणी माताश्री स्कूल के अंदर 5 लाख रुपए की घोषणा की, वो घोषणा अभी तक अधूरी पड़ी है, वो घोषणाएं पूरी क्यों नहीं? कांग्रेस घोषणाएं पूरी नहीं करते हैं विधायक जी, अच्छा क्या सवाल है? बिल्कुल, हमारा सवाल कांग्रेस से यही है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस बोल रही है हम ये करेंगे ये करेंगे, एक अभी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती निकली थी, वो एक भर्ती पूरी नहीं करने दी। यदि कोई कांग्रेस को भूलवश वोट देना भी चाहते हैं तो इनके पास कोई मुख्यमंत्री का सेहरा भी नहीं, यदि कोई हो तो ये बताएं, क्लियर करें कि हम वोट किसको दें। फिर वही बात आ गई मुकेश जी, मुख्यमंत्री का चेहरा। कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करती है, विधायक दल के जो भी हमारे सदस्य चुनके आते हैं वही व्यक्ति मुख्यमंत्री का चयन करता है। अगर
आम आदमी भी, आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। मेरा सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस कहती है कि मतलब सरकार के लोगों को आम जन सुविधाएं नहीं देती। पहले कांग्रेस के समय में गैस कनेक्शन के लिए उन एमएलए के समसा को 500 रुपए रिश्वत देनी पड़ती थी, आज वो सरकार फ्री में सरकार देती है। और भी यहाँ पर सवाल है युवाओं के, क्या सवाल है भैया? मेरा सवाल कांग्रेस से है, मुकेश जी से। मैं कहना चाहता हूँ कि 10 साल से नगर पालिका का बोर्ड कांग्रेस के पास में है, विकास तो दूर की बात, इनसे आवारा पशुओं की भी उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई, वो पूरे शहरवासी परेशान है और सभापति के खिलाफ इनके ही पार्षद धरने में बैठ जाते हैं। पूरी टीम आपकी फर्स्ट इंडिया की हाजिर है और हमारे युवा शक्ति भी हाजिर है, एक बार शहर का आप विजिट कर लें। एक मिनट, ये मतलब जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, सच्चाई को सामने आने नहीं देना चाहते। शहर का विजिट आप अपने साथ में करें, उसके बाद में शहर का विकास हुआ या नहीं है आप उसका डिसीजन कर दें। मुकेश जी, आप कह रहे हैं कि जाके विजिट करें, क्यों बाहर के? ये लोग यहाँ के नहीं है, आप तो शहर के नहीं है। जी मैडम, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है या जनता? ये जनता नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता। क्योंकि अगर ये सवाल पूछते हैं तो आप जनता के रूप में सवाल पूछते, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करते। कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे तब आपने नहीं कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता। मैं निवेदन करूँ, मैं तैयार हूँ, आप विजिट कीजिए। मेवा राम जी ने पिछले 10 सालों में हमारे बाड़मेर के अंदर इतना जहर घोला है, इतना जातिवाद भरा है और पैसों के बल पर ये वोट लेके जनता को गुमराह करते। कांग्रेस की थोती घोषणा है, कांग्रेस आज तक कोई वादा पूरा नहीं करती है, थोती घोषणा करती है, कोई भी काम थोती घोषणा करती है, छोटी घोषणा करती है, पूरा नहीं किया। कांग्रेस से सवाल था, लेकिन ठीक है, आप एक लाइन में जवाब, ठीक है। मैडम मैं निवेदन करूं, इन्होंने कहा है कि थोथी घोषणा है, सरकार किसकी है यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में और केंद्र में, विधायक बताइए किसका है, कैसे करेंगे? एक अहम सवाल यहाँ से आया था कि जातीय जो जहर है जातियों को लेकर कोई भी नेता है वो घोल रहे हैं, इस चुनाव में भी वही देखने को मिल रहा है, जातीय समीकरण को लेकर साधने की कोशिश। ये कांग्रेस वाले है, कौन है? मैं सबका नाम ले रहा हूँ जिन्होंने इस लूणकंद जी को बनाया है। मैं ना मेवाराम जी का कह रहा हूँ, मैं तो लूणकंद जी पर सीधा ठोक रहा हूँ शब्द। जी, और सफाई करवा दे वरना आपके वोट लेने के लिए नहीं। अच्छा, सफाई के भी यहाँ मुद्दे अभी जान लेते हैं। बाड़मेर नगर परिषद नाकारा परिषद है, 21 नंबर वार्ड से मैं ही उनके सामने चुनाव लड़ा था, मुझे हराकर लूणकंद जी को सभापति बनाया गया, परंतु वस्तु स्थिति ये खराब है, पूरे शहर में सीवरेज खराब है, सारे सड़कों पे गड्ढे पड़े हैं। मेवाराम जी की बात करें या सभापति की, सफाई व्यवस्था का जवाब दे रहा हूं मैं। राजस्थान को इस बार राजस्थान में बाड़मेर जिले को सफाई में तीसरा स्थान घोषित किया गया, ये क्या बातें कर रहे हैं? ये कलेक्ट्रेट के सामने ही गंदगी का ढेर है, हम लोग खुद वहां से अभी आ रहे हैं। मैडम एक बात, सवाल ले। जी, यहाँ जनता से जान लेते हैं, कई लोग यहाँ पर खड़े हुए और कई सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। मेरा सवाल मुकेश जी से है कि आप बोल रहे हो मेवाराम नहीं, मैं कहता हूँ ये जनता सवाल पूछ रही, मेवाराम बार बार झूठे वादे करता है और आपको बधाई देता हूँ कि आपको एक झूठा विधेयक मिला है, उसका जवाब जनता को दीजिए। मेवाराम जैन का दो बार आप सरपंच रहे, एक बार नगर परिषद के सभापति रहे, दो बार एमएलए रहे, लगातार मेवाराम जी जैन ने जिंदगी में एक भी चुनाव नहीं हारा है, तो आखिर वो लोकप्रिय है, इसी कारण वो बार बार जीत रहे हैं। भाजपा वालों से सवाल है, ये बोर्ड पर आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं हुआ, इन्होंने 10 दिन से ज्यादा तो आयुक्त को रहने ही नहीं दिया भाजपा वालों ने। कैलाश जी एक लाइन में जवाब, बिल्कुल घुमाना नहीं है। मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ, ये बार बार पूछ रहे हैं कि नगर परिषद के आयुक्त को रहने नहीं दिया, सबसे बड़ी कमजोरी इनके सभापति की है, सभापति किसी भी रूप में मेवाराम जी विधायक के साथ मिलकर वो काम नहीं करना चाहते। सीधा जवाब क्यों नहीं देते? सीधा जवाब दे रहा हूँ उसका, ठीक है, कि आयुक्त को रहने नहीं सभापति ने दिया, सभापति यहाँ का काम करना ही नहीं चाहता है। माननीय मुकेश जी कह रहे हैं कि शहर का भ्रमण कर लीजिए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 100% आप झूठे साबित होंगे। बाड़मेर की कई कॉलोनियां ऐसी है जिसमें आप मेरे साथ चलिए, विकास का नाम मात्र देखने को नहीं मिले। जिस रस्ते से बाड़मेर में आपने एंट्रेंस किया है, ठीक है, जिस रस्ते से, चाहे आप जोधपुर से आए, चाहे सिंधी से आए, चाहे धोरीमुना से आए, बाड़मेर में प्रवेश करते समय आपको लगा होगा कि बाड़मेर एक महान नगर है, यह प्रवेश जो बड़े बड़े पुल नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ओवर फ्लाई नजर आ रहे हैं, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें नजर आ रही है, ये कांग्रेस की देन है। बाड़मेर के अंदर घुसते हुए जो थोड़ी थोड़ी सड़कें नजर आ रही है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार का काम है,
चलिए विजन विजन मौजूदा चुनाव को के बाद क्या विजन है, चुनाव को लेकर विजन क्या है? कर्नल साहब का एक ही विजन है, युवाओं को रोजगार मिले। हम अगर सत्ता में आए तो हम पूरी तरह से कर्ज माफी करेंगे, टोल मुक्त राजस्थान करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। रोजगार की नहीं मिलने की वजह से, दोनों सरकारों के वादों से, जुमलों से देश की जनता परेशान है। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई तो भारतीय संविधान की सुरक्षा होगी, रक्षा होगी भारत के अंतिम नागरिक को, वंचित व्यक्ति का विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी का विजन है सबका साथ सबका विकास, स्वच्छ भारत, स्वच्छ राजस्थान, स्वच्छ बाड़मेर, प्रदेश का विकास हो, यहाँ पर ये विजन है। यानी कि चुनाव जीतने के बाद ये तमाम चीजें जिन्हें ये करना चाहते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जनता चुनती किसे है, किसके साथ इस चुनाव में जाएगी, और चुनाव में जिसके साथ भी जाए, जो भी सरकार बने, क्या वो अपने वादों पर खड़े उतरती है या नहीं। और इसलिए लगातार ये शो लेकर हर जिले में हर संभाग में जा रहे हैं कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री वही बनेगा जो जनता की पसंद होगा।